सत्याग्रही की पत्नी ने कहा, जुग जुग जियो ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को पेंशन का सम्मान देकर उन्हें अमर बनाया। हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों के विधवाओं को भी 10,000 पेंशन देकर किया जा रहा है सम्मानित। करनाल 28 मई। प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1957 के हिंदी आंदोलन में भाग लिया और वे जेल में रहे, ऐसे सत्याग्रहियों के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के हिंदी आंदोलन में शामिल करीब 200 लोगों को सम्मान मिला है और यह प्रक्रिया जारी है। करनाल जिले में 10 सत्याग्रहियों व उनकी विधवाओं को यह सम्मान दिया जा रहा है। हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले जिला करनाल के गांव गंगसीनावासी फतेह सिंह की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी फूलवती को हिंदी आंदोलन सत्याग्रही की पेंशन दी जा रही है। कागजों की कमी के कारण दर महीना पेंशन न मिलने के कारण सोमवार को 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूलवती अपने लड़के जयसिंह के साथ लघु सचिवालय में सत्याग्रही पेंशन की लेने के लिए पहुंची। बीमारी के कारण कार में ही बैठी रही। वहीं पर जिला लोक संपर्क अधिकारी सुनील कुमार ने लंबित 6 महीने की 60,000 रुपए के पेंशन का चेक उन्हें दिया तो वह काफी खुश हुई। जब उपस्थित मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि माता जी आज आपको कैसा लग रहा है, बुजुर्ग फूलवती ने हंसते हुए कहा कि जुग जुग जियो ऐसा मुख्यमंत्री जिसने मेरे पति के किए हुए काम को याद किया और मुझे उसकी मेहनत का फल आ दे दिया। उसने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हिंदी आंदोलन में भी भाग लेने वाले लोगों को भी सम्मान दिया और उनके मरने के बाद उनकी पत्नियों को सम्मान देकर उन्हें अमर बना दिया। बुजुर्ग महिला ने मीडिया कैमरे के सामने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री ने जो हमें इज्जत दी है। अपनी बुजुर्ग माँ को कार में लेकर आए उनके बेटे जड़क्ष सह संधू ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को जो सम्मान दिया है वह और उनका परिवार सदा आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1957 के हिंदी आंदोलन में भाग लिया और वह 6 महीने जेल में भी रहे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हमें सम्मान दिया है, इस सम्मान ने मेरे स्वर्गीय पिताजी की याद को ताजा कर दिया। हमें सम्मान चाहिए था, पैसे नहीं। पैसे तो कहीं से भी मिल सकते हैं, परंतु मेरी बुजुर्ग माँ ने जब अपने हाथ में मेरे स्वर्गीय पिता की मेहनत का चेक लिया तो वह इतनी खुश थी कि उन्होंने कहा कि जुग जुग जियो ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने मरे हुए सत्याग्रहियों को भी जिंदा कर दिया।